50,000 करोड़ का इन्होंने सरकारी बैंक तो लोगों का पैसा लोन लिया 2011 तो 2014 के फिर मोड़िया नहीं तो 2019 में कोर्ट कहता इन्हों प्रॉपर्टियां अटैच करो इन्हें पैसे वापस करो 2019 में जो इन्हों के कोर्ट ने जजमेंट पास किए वो आम आदमी पार्टी में नहीं सके यदा मतलब कि कितना कितने एक करप्ट बंद जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं आम आदमी पार्टी से लाकर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बन रहे हो जो बीच बीच सेंटर जो कहना बीच बीच आज ईमानदार है उवें पंजाब कर लगे हुए हैं कि बंदा भगवंत मान जी को फोन करता मैं इस ऑडियो कवेज की कोई स्पष्टी नहीं कर सकता पर बंदा कहता है कि जी तुम अमरगढ़ वाली टिकट पैसे लेके दी है वो जवाब नहीं दे पाते कहते मैं तेनों घर आके मनाऊंगा ये बड़े एलीगेशन लगे कि पैसे ले लैके टिकटा दिखाई गई सोचो कि कोई आम आदमी 2-3 लाख रुपए का जो बैंक तो लोन ले ले तो बैंक उन्होंने करोग सीट के बाहर कड़ लेंगे 50 करोड़ का लोन लैके तुम लुट के बैंक में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली तो हम पूरी सरकार से पार्टी लगी है तुम्हें ईमानदार बनाने कुछ दिन पहला ना वो 5 आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 महीने उत्तर तो उन्होंने बड़ा क्लीयर आप दसाया कि 10,700 करोड़ असी नवा कर्जा लिया ये मतलब 6 महीने 12 तो पूरे साल 24,000 हजे तो इन्हों का 1,000 रुपये वाला औरतों देना पूरा नहीं होया हजे तो इन्हों का कोई वादा पूरा नहीं होया तो पहले ही इन्होंने साफ करता कि 24,000 करोड़ का घट्टो घट्ट परसर लवेंगे आम आदमी पार्टी चर्चा के विच दिल्ली के सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होंगी है तो अमरगढ़ के MLA जसवंत सिंह गज्जर माजरा के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई है कल उन्होंने टिकाने पर रेड की गई थी तो साढ़े अमरगढ़ तो कांग्रेस लीडर समित सिंह मान मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं तुहाडे इलाके के MLA ने गज्जर माजरा जी आम आदमी पार्टी वालों एक शब्द वरताया जाता है कि कट्टर ईमानदार ने जो सारे नेता ने सारे वर्कर ने कट्टर ईमानदार ने तो उन्होंने MLA के खिलाफ रेड हुई है ईडी की वड्डी कार्रवाई हुई है तो की कहना चाहूँगा देखो जी 5 फरवरी 2019 का डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वो जजमेंट साफ कहता है कि 50,000 करोड़ का इन्होंने सरकारी बैंक तो लोगों का पैसा लोन लिया 2011-2014 के फिर मोड़िया नहीं तो 2019 में कोर्ट कहता इन्हों प्रॉपर्टियां अटैच करो इन्हें पैसे वापस लो वो तो बैंक ने सरकारी बैंक ने परचा दर्ज कराया तो फिर कार्रवाई हो रही है मैं तो होर आम आदमी पार्टी को कहना चाहूँगा कि 2020 आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं 2019 जो इन्हों के कोर्ट ने जजमेंट पास किए आम आदमी पार्टी में नहीं सके यदा मतलब कि कितना कितने एक करप्ट बंद जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं तुम आम आदमी पार्टी से लाके ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बन रहे हो ये तो बीच बीच वाला ही सिस्टम है जिम्मे बीच बीच सेंटर जो कहना बीच बीच आज ईमानदार है उवें पंजाब कर लगे हुए हैं तुम करप्शन की गल की है कि पहला उन्होंने एक अपलाई जो किया बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए तो की गल आम आदमी पार्टी की हाईकमान में पता नहीं कि जोड़े बंद असं MLA की टिकट दे रहे हैं उसके खिलाफ इन्ना वाला केस चल रहा है आप जो इलैक्शन के टाइम से वापस बारे उस टाइम बारे सोचते हैं तो उस टाइम से बड़ी ऑडियो क्लिपा वायरल हुई थी उस भी सी कि बंदा भगवंत मान जी को फोन करता मैं इस ऑडियो कवेज की कोई स्पष्टी नहीं कर सकता पर बंदा कहता है कि जी तुम अमरगढ़ वाली टिकट पैसे लेके दी है वो जवाब नहीं दे पाते कहते मैं तेनों घर आके मनाऊंगा मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने आवाज़ है कि नहीं पर यह जी बड़िया क्लिपा चलिया तो बड़े एलीगेशन लगे कि पैसे ले लैके टिकटा दिखाई गई कि पता यह जे बहुत सारे लोग आप करप्शन करके ईमानदारी का सर्टिफिकेट लैन वास्ते तुम सोचो कि कोई आम आदमी 2-3 लाख रुपए का जो बैंक तो लोन ले ले तो बैंक उन्होंने करोग सीट के बाहर कड़ लेंदा इतने 50,000 करोड़ का लोन लैके तुम लुट के बैंक में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली तो हूँ पूरी सरकार से पार्टी लगी है तुम्हें ईमानदार बनाने पंजाब दे सिर करजा है तो जिहड़ी पार्टी ने जिम्मेवारी ली है कि असीं पंजाब दे सिर तो करजा लाहांगे उहदे MLA खुद करजे दे डिफाल्टर ने कुछ दिन पहला ना वो 5 आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 महीने उत्ते तो उन्होंने बड़ा क्लीयर आप दस्या कि 10,700 करोड़ असीं नवा करजा लिया 5 महीनों इहदा मतलब 6 महीने 12 तो पूरे साल 24,000 करोड़ हजे तो इन्हों का 1,000 रुपये वाला औरतों को देना पूरा नहीं होया हजे तो इन्हों का कोई वादा पूरा नहीं होया तो पहले ही इन्होंने साफ करता कि 24,000 करोड़ का घट्ट तो घट्ट परसर लवेंगे मतलब 5 साल 1.25 लाख करोड़ वो फिर इंट्रस्ट चढ़ूगा पिछले 30-35 साल के पंजाब के सिर कर्जा जो है 2,60,000 करोड़ ये आप मंत्री साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यदा मतलब 2,60,30-35 साल चढ़ता है तो बिना कोई वादा पूरा किए तो 1.25 लाख करोड़ चढ़न फिर तो जो रेते 20,000 करोड़ कड़ना से कितने जोड़ा तुम करप्शन का 20,000 करोड़ कड़ना से कितने तुसी एक्साइज पॉलिसी दिल्ली वांग बना के पंजाब लुटन लगे हुए चोणां तो पहला कहा जाता सी कि अकाली लीडर ने या कांग्रेसी लीडर ने करप्ट ने वक्-वक् शहरां दी जिहड़ी MC हुंदी आ उसके इल्जाम ने जिहड़े ओह लाए जांदे सी हुण सरकार बदल गई आ जिहड़े MC कांग्रेस जां अकाली दल विच सी तां ओह आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए ने अगर उन्हां नूं पहला करप्ट कहा जाता सी तां कि हुण ओह ईमानदार हो गए यार मैं तां बड़ा ना साफ तौर ते इस सिस्टम नूं देख रहा मैं तां जिवें कहा कि जिवें BJP दा देश विच जिहड़ा बंदा साडी पार्टी च आ जाए उन्हें वॉशिंग मशीन धो के कह देना ईमानदार है उही इन्हां दा पंजाब च मॉडल चल रहा है दूसरी गल एक पूंजीपतियां दे हाथ देश दिता जा रहा है
अज आप देख रहे हैं कि अडानी दुनिया का तीसरा सब तो अमीर आदमी बन गया। कहते 1,000 करोड़ रुपये पर दिन की आमदन है। जिमें ही अडानी दुनिया के तीसरे सब तो अमीर आदमी बनते हैं, वो एक नवी रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि देश के अंदर सब तो ज़्यादा दिहाड़ीदार मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। तो देश के अंदर की हो रहा आप दिख रहा, उही पंजाब छोड़ लग गया। जिहड़ी पार्टी ये कहती सी कि असी लोगों को रोज़गार देवांगे, मैं थोड़ू याद होना 10 मार्च को साढ़े देशभगत कॉलेज धूरी के बाहर भगवंत मान जी गड्डी के उत्ते छाते बैठे हैं, तो आस पास युवा मुंडे घूम रहे हैं, तो कहते मैं बड़ा दुखी हाँ जी, इतने ने अज तो कम करने वाला दिन है तो उरे घूम रहे हैं, दिहाड़ी लाण कम जा कर जान, तो इन्हों नौकरी देना मेरा पहला सपना है। अज 6 महीने बाद उही भगवंत मान जी कह रहे हैं कि वह अपना काम आप देख लैन, शायद 6 महीने बाद कह लग जा मोदी साहब वगू कि पकौड़े बना लग जा। SYL नहर ते आम आदमी पार्टी वालों जो हरियाणा च बयान दते गए हैं तो उन्होंने किवें देखते हैं? देखो जी, पंजाब के हक की लड़ाई लड़न की लड़ है। मेरे वर्गा बंदा इंडिया वास्ते खेलता सी, वो छड़ के सरकारी नौकरी छड़ के राजनीति इस करके आया कि मैनू पता पंजाब का की हाल है। मैं बड़े सालों तो ये मुश्किलों देख रहा, मैनू पता है कि मुश्किलों के हल किए जा सकते हैं, पर सरकार इस गल की नीयत रखे। बड़ा दुख होंगे देख के, तुसी पंजाब के पानिया की गल करते हो, अज किसानी तुसी आपा एक लड़ाई लड़ी केंद्र के खिलाफ, आप लड़ाई जित गए, मगर किसानी की हालत होर मती हो जा रही है। जिहड़ा एग्रीकल्चर क्राइसिस वो खत्म नहीं होया पंजाब चो, हजे तो पानिया का मसला होर वधेगा। पानी पंजाब का खत्म होता जा रहा है, पिछले 12-13 सालों तो पंजाब की किसानी की उपज नहीं वध रही, आमदन नहीं वध रही, महंगाई वधदी जा रही है, उसका कोई हल ही नहीं कढ रहा। तुसी किसानी की गल की तो कैबिनेट मंत्री ने अनमोल गगनमान जिहड़े चोणां तो पहले चुटकियां मार के कहिंदे सी कि 5 मिनट के MSP है जिहड़ी वो मिल सकती है, तो हुण तक तो कई फसलों ने उन्होंने मिल जानी चाहिए सी। जिवें वह इलैक्शनों तो पहले पंजाब ड्रामा करते सी, उवें राघव चड्डा जी हुण कुछ दिन पहले राज्यसभा जाके कहिंदे ने कि MSP नूं कानूनी कर दो। यार जे तुसी MSP कानूनी करनी है, तुसी राज्यसभा जाके मना करा के कागज फड़ के एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुसी पंजाब विधानसभा थोड़े 92 MLA ने, तुसी पंजाब च कानूनी कर दो। पंजाब से तो कानूनी हो रही रही, पंजाब तुसी एक ड्रामा रचा मूंगी देने का, किसानों तो बड़े औखे ने। तुसी तेल बीजा तो MSP दे सकते हो, तुसी होर बड़ी दालों से MSP दे सकते हो, जिहड़ी MSP है उसको पंजाब विधानसभा कानूनी कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे? नशे का मुद्दा पंजाब दे विच बहुत गंभीर आ, आए दिन कोई ना कोई मौत है जी नशे कारण की आ चुकी है। तो कुलतार सिंह संधवा विधानसभा स्पीकर वालों ये कहा गया कि असं 6 महीनों में नशा खत्म कर देवे, 6 महीने तो उन्होंने पार्टी में हो चुके। देखो जिहड़ियां मैनूं तां ये लग रहा है कि मैनूं बड़ा दुख हुंदा है सोच के कि पंजाब दे ये 5 साल इस तरह बर्बाद होने लगे। पंजाब दे सिर कर्जा वध रहा, एक्साइज पॉलिसी आपां सरेआम लुट देख रहे, रेते का आप देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ कितने आना सी तो होर डुबाणगे। आप देख रहे हैं जिन्ने वादे करके आए थे वो पूरे नहीं होने, किसानी डुबदी जा रही है, पंजाब की जवानी पंजाब छड़ के भज रही है, नशा वधदा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सानू हालात पता ने। मैनू आप एक पंजाबी होंदे आम नागरिक होंदे आप सब राजनीति पार्टियां छड़िए सोच के बड़ा दुख हुंदा है कि पंजाब नू किस रस्ते लेके जा रहे हैं। ये सारिया चीज़ा कीतियां जा सकदियां, एक चंगी नीयत की लोड़ है। पंजाब के लोगों ने बड़ा उम्मीदों 92 MLA दिते इन्हां नू, ये कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर 2/3 मेजोरिटी इन्हां दी विधानसभा के अंदर, MSP तुसीं क्या कानूनी करन करन राजी नहीं है? कहिंदे असीं रोज़गार देवांगे, हुण कहिंदे ने आप लै लो। ये पंजाब जिस वल लैके जा रहे हैं, जिस वल वध रहा है, तो जिहड़ा आदमी उन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कट्टड़ ईमानदार है। इन्हां दी ये सोच ही नहीं है कि असीं लोगों के मसलों के कोई हल करिए। सुमित जी, आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी वालों कहा सुरक्षा के मुद्दे उत्ते विरोधी पार्टियां ने जिहड़ियां घेरियां जांदियां रहियां सी, जदों विरोधी धिर विच हुंदे सी तां सरकार ते सवाल चुके जांदे सी कि लीडरां नूं इन्नी वड्डी सिक्योरिटी दित्ती हुई है, लीडरां दे परिवारां नूं सिक्योरिटी दित्ती हुई है, तां पिछे जो सिद्धू मूसेवाले दा कतल हुंदा है, सिक्योरिटी लिस्ट आ जिहड़ी ओह लीक हो जांदी है, जिहड़ा कि खुफिया दस्तावेज हुंदा है, तां उस तों बाद भगवंत मान दा जिहड़ा परिवार आ, उहनां दी माता, उहनां दी पत्नी आ, उहनां दी भैण, उन्होंने सिक्योरिटी दिती हुई है, सरकारी गड्डियां का काफिला नाल हुंदा है, लैंड क्रूजर जिहड़ी सरकारी गड्डी आ उसदे विच उन्हां दा परिवार सफ़र करता है, जबकि मुख्यमंत्री नहीं नाल हुंदे, तां की कहना चाहूँगा? देखो मेरा तो यह सोचना है, मैं किसी के परिवार बारे निजी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैनूं लगता कि पंजाब के आम इंसान नूं अज सिक्योरिटी की लोड़ है, जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया है, जो लुटमार है, ड्रग्स का सिचुएशन है, बेरोजगारी है, तुसीं तां पंजाब हर पंजाबी नूं सिक्योरिटी देने की कोशिश करो, पंजाबी नूं बचाने की कोशिश करो। ये जिहड़ियां गल्लां ने इन्होंने यही ड्रामे रच रच के बनाई कि ये को सिक्योरिटी वो हम आप लई फिरदे ने, आप उसी गोल गोल के अंदर दोबारा घूमते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे। मैं ये चाहना कि आपां दे लोगों के मुश्किलों की गल करिए। अज मेरा मन बड़ा दुखिया कि 52 करोड़ का फ्रॉड करके बंदे नूं तुसीं ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, जबकि पंजाब डुब्या पै, आप पंजाब के इंसाफ की गल करिए। धन्यवाद। तो ये सन कांग्रेस पार्टी के अमृतगढ़ तो लीडर सुमित सिंह मान जिन्हों वालों जसवंत सिंह गज्जण माजरा उत्ते हो रही ED की कार्रवाई बारे खुलासे ने जोड़े वो किए गए हैं, ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार उत्ते
सवाल चुके गए ने कि एक पासे तो करप्शन के नाते दूजी पार्टी के लीडर उत्ते कार्रवाई कर रही है, दूजे पासे ही उन्होंने अपने ही लीडर उत्ते कार्रवाई है जी हो रही है, तो पार्टी वालों उसनू बचाउण दीआं कोशिशां ने जिहड़ियां उह कीतीआं जा रहीआं ने, नाल ही पंजाब दे मुद्दिआं उत्ते एस वाई एल दे मुद्दे उत्ते अते होर मसलिआं उत्ते गल्लबात कीती गई है। कैमरा पर्सन रमन दे नाल मैं बलविंदर सिंह ढींसा, वॉइस ऑफ पंजाब टीवी दे लई चंडीगढ़ तों।